नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर का है ना बेसिक हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। और ये हमारा जो है सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर का बेसिक पढ़े थे। और बेसिक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो बेसिक में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय है ना क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिए थे। और फिर हम लोग पढ़े थे संख्या के प्रकार के बारे में ना, संख्या के प्रकार के बारे में कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक संख्या के समुच्चय को है ना किससे सूचित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बच्चों, संख्या के प्रकार में हम लोग दो तरह के संख्या के बारे में पढ़ लिए थे ना। एक पढ़ लिए थे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, और एक पढ़ लिए थे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और इसके सभी गुण के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। और बच्चों ना, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा तीसरा संख्या है पूर्णांक, है ना। हमारा तीसरा संख्या क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स। अब पूर्णांक किसे कहेंगे, है ना, पूर्णांक को समझना है कि पूर्णांक होता क्या है ना, पूर्णांक होता क्या है। तो बच्चों, हम लोग सिंपल में समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े थे इससे पहले पूर्ण संख्या, क्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, फाइव होता है, सिक्स होता है, सेवन डॉट डॉट, ये सभी संख्या होता है। तो ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं, है ना, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो बच्चों, इसी पूर्ण संख्या में, है ना, इसी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे, है ना, ऋणात्मक प्रकृत संख्या को क्या करेंगे, शामिल कर देंगे, ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल कर देंगे, तब जो संख्या का समुच्चय बन जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक। जी देखें, हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन, फिर होगा माइनस टू, फिर होगा माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, है ना, डॉट 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 डॉट। तो ये जो हम लोग यहाँ पे शामिल कर दिए, है ना, ये हमारा इतना दूर क्या था, ये था हमारा पूर्ण संख्या। तो इसे पूर्ण संख्या के समुच में क्या शामिल कर दिए, ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल कर दिए। क्या शामिल कर दिए, ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल कर दिए। तब जो हमारा ये पूरा संख्या का समुच बन गया, तब जो हमारा ये संख्या का समुच बन गया, इसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो बच्चों, यही हमारा डेफिनेशन है, है ना, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं ना, बोर्ड पे पूर्णांक संख्या के डेफिनेशन को आप लोग देख सकते हैं। पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन है हमारा क्या है, कि पूर्ण संख्याओं के समुच में, है ना, पूर्ण संख्याओं के समुच में ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल करने से जो संख्या का समुच बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक बच्चों, है ना। पूर्ण संख्याओं के समुच में ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल करने से जो संख्या का समुच बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग देख सकते हैं कि यहां से, है ना, जीरो, जीरो से इस साइड हमारा कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसी पूर्ण संख्या में क्या शामिल कर दिए, ऋणात्मक प्रकृत संख्या को, है ना, ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल कर दिए, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तब ये पूरा संख्या बन गया, ये क्या हो गया हमारा, पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो आप लोग अपने नोट कॉपी में पूर्णांक का डेफिनेशन लिख सकते हैं, कि पूर्ण संख्या के समुच में ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल करने से जो संख्या का समुच बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नीचे स्टार देकर आप लोग लिखिएगा, नीचे स्टार देकर, कि पूर्णांक के समुच को आई या जेड से सूचित किया जाता है, है ना, पूर्णांक के समुच को आई या जेड से सूचित किया जाता है ना। पूर्णांक के समुच को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई से या जेड से, है ना। पूर्णांक संख्या के समुच को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई या जेड से, ठीक है बच्चों, आई या जेड से इसको हम लोग सूचित करते हैं, है ना, आई या जेड से।
तो बच्चों एक बात बताइए, आई का मतलब होता है इंटीजर्स, है ना। आई का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। तो बताइए बच्चों जेड है ना, इसके संकेत को हम लोग जेड से क्यों लिखते हैं? इसके संकेत को जेड से क्यों लिखते हैं? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, पूर्णांक को जर्मन शब्द में, है ना, पूर्णांक को जर्मन शब्द में जेहलिन के नाम से जाना जाता है, है ना। पूर्णांक को जर्मन शब्द में जेहलिन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना, है ना। पूर्णांक को जर्मन शब्द में जेहलिन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना। इसलिए पूर्णांक के समूह को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। किससे? जेड से। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बच्चों इसको भी जो है स्टार देकर लिख लीजिएगा, है ना, स्टार देकर लिख लीजिएगा कि पूर्णांक को जर्मन शब्द में जेहलिन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना, है ना, जिसका अर्थ होता है गिनना। इसलिए इसके समुच को जेड से सूचित किया जाता है, है ना। इसलिए इसके समुच को जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को जर्मन शब्द में जेहलिन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना। इसलिए इसके समुच को जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, है ना, अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए बच्चों, तो अगला पॉइंट है ना, इसको पूर्णांक संख्या को हम लोग, है ना, और अच्छी तरह से समझते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये हमारा पूर्णांक का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? पूर्णांक का समुच्चय है। तो पूर्णांक के समुच्चय में हम लोग देख सकते हैं जीरो भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जीरो भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर यार 1 2 3 4 इस तरफ प्लस में दिया हुआ है, और फिर जीरो के इस तरफ का दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है। तो बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, आप लोग याद रखिएगा कि पूर्णांक में, है ना, पूर्णांक में जो है और ऋणात्मक और धनात्मक, पूर्णांक में जो है बच्चों कुल चार तरह का संख्या शामिल होता है, है ना, कुल चार तरह का संख्या जो होता है शामिल होता है। तो अब ये कुल चार तरह का संख्या कैसे शामिल होता है बच्चों? तो पहले बच्चों आप लोग ये समझ लीजिए, देखिए अगर यहां से इसको हम ये ले लेते हैं, है ना, वन से, है ना, वन से अगर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... तो ये सभी को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चों? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, है ना, ये सभी को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद अगर हम जीरो के इस सर के देख रहे हैं, -1 है -2 है -3 -4 ... तो ये सभी को अगर हम एक साथ लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ... तो ये सभी को बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी ये सभी को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चों? ये सभी को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऊपर वाला हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक, नीचे वाला हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ये हो गया हमारा क्या चीज? धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए, है ना, ये क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। अब बच्चों आप लोग बोलिएगा कि शून्य क्या है? तो बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शून्य जो होता है, ना, शून्य जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, शून्य के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, शून्य जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब उसके बाद देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हम लोग धनात्मक पूर्णांक में, है ना, अगर हम लोग धनात्मक पूर्णांक में शून्य लगा देंगे, जैसे देखिए शून्य, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... है ना, हम लोग क्या किए? धनात्मक पूर्णांक में शून्य लगा दिए। क्या लगा दिए? शून्य लगा दिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? और ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम लोग धनात्मक पूर्णांक में शून्य को लगा देंगे, क्या लगा देंगे? शून्य को लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? और ऋणात्मक पूर्णांक। फिर अगर हम लोग माइनस वाला, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक में, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक में क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक में अगर हम लोग शून्य लगा देंगे, जैसे देखिये
जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, तो ये सभी को बोलेंगे हम लोग, है ना, ये सभी को बोलेंगे अधनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? अधनात्मक पूर्णांक, ये सभी को बोलेंगे हम लोग अधनात्मक पूर्णांक। तो बच्चों अभी आप लोग को हम जितना समझाए हैं उतना हम आप लोग को लिखवा भी देंगे, है ना, तो आप लोग स्टार देकर लिखना शुरू कीजिएगा, है ना, आप लोग स्टार देकर लिखना शुरू कीजिएगा। तो बच्चों है ना आप लोग पहला स्टार देकर लिखिएगा, है ना, पहला स्टार में कि धनात्मक पूर्णांक के समुच को, है ना, धनात्मक पूर्णांक के समुच को आई प्लस या जेड प्लस से सूचित किया जाता है, है ना, धनात्मक पूर्णांक के समुच को आई प्लस या जेड प्लस से सूचित किया जाता है। कहीं भी आप लोग को आई प्लस या जेड प्लस दिखे तो आप लोग को समझ जाना है कि ये पूर्णांक है, लेकिन सिर्फ प्लस वाला संख्या इसमें आएगा, है ना, सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोग यहां लिख लीजिएगा नीचे में एग्जांपल, i प्लस या z प्लस बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा स्टार में आप लोग लिखिएगा, दूसरा स्टार में ऋणात्मक पूर्णांक के समुच को i माइनस या z माइनस से सूचित किया जाता है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक के समुच को i माइनस या z माइनस से सूचित किया जाता है। कहीं भी आपको, है ना, कहीं भी आपको i माइनस या z माइनस दिखे, कहीं भी आपको i माइनस या z माइनस दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये पूर्णांक है, है ना, ये पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है, तो माइनस वाला, है ना, नेगेटिव वाला, नेगेटिव पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जैसे मैं आप लोग लिख लीजिएगा i माइनस या z माइनस बराबर डॉट 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 माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग नीचे तीसरा स्टार में लिखिएगा और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, तो और ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ये आप लोग को हम समझा दिए हैं कि यदि हम लोग धनात्मक पूर्णांक में, है ना, धनात्मक पूर्णांक में क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, अगर हम लोग धनात्मक पूर्णांक में जीरो लगा देंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, और ऋणात्मक पूर्णांक। तो और ऋणात्मक पूर्णांक का डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या का समुच्चय और ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है, है ना, और ऋणात्मक पूर्णांक का डिफिनेशन हो जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या का समुच्चय और ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे मैं आप लोग लिख लीजिएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए उसके बाद है ना चौथा स्टार अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, तो अधनात्मक पूर्णांक मतलब होता है जो, है ना, जो धनात्मक ना हो, ओ जैसे लग गया मतलब जो धनात्मक ना हो, तो ओ धनात्मक पूर्णांक मतलब जो धनात्मक ना हो। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक में, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या का समुच्चय अधनात्मक पूर्णांक कहलाता है ना, और ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या का समुच्चय अधनात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो है ना ऋणात्मक पूर्णांक में क्या कर देंगे, जीरो को शामिल कर देंगे, है ना, जीरो को शामिल कर देंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, है ना, अगला पॉइंट। तो बच्चों अभी तक हम लोग कुल तीन संख्या के बारे में पढ़े हैं, है ना, कुल तीन संख्या के बारे में पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं प्रकृत संख्या, दूसरा पढ़े हैं पूर्ण संख्या, तीसरा पढ़े हैं पूर्णांक संख्या, है ना। पहला क्या पढ़े हैं प्रकृत संख्या, दूसरा क्या पढ़े हैं पूर्ण संख्या, तीसरा क्या पढ़े हैं पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक पढ़े हैं। तो बच्चों यदि आप लोग से कोई सवाल पूछता है कि बताइए प्रत्येक प्रकृत संख्या, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्णांक होगी, है ना, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्णांक होगी, बताइए कि प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्णांक होगी, तो आप लोग को कहना कि हाँ होगी, है ना, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्णांक होगी। पूछेगा क्यों होगी, तो बोलिएगा कि जितना भी संख्या, है ना, जितना भी संख्या प्रकृत संख्या में आती है वो सभी पूर्णांक के अंदर भी आती है, वो सभी पूर्णांक के अंदर भी आती है। जैसे देखिए वन टू थ्री फोर इसमें भी आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बढ़ते जाएगा, इसलिए प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्णांक होगा, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्णांक होगा। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्ण संख्या, है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होगा,
प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि जितना भी पूर्ण संख्या में संख्या आ रहा है वो सभी संख्या पूर्णांक के अंदर भी आ रहा है, वो सभी संख्या पूर्णांक के अंदर भी आ रहा है ना। जिसमें जीरो है इसमें भी जीरो है, इसमें वन है इसमें भी वन है, इसमें टू है इसमें भी टू है, इसमें थ्री है इसमें भी थ्री है। तो जितना भी संख्या पूर्ण के अंदर आ रहा है, पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, वो सभी पूर्णांक के अंदर भी आ रहा है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों आप लोग से कोई उल्टा पूछ दे कि बताइए प्रत्येक पूर्णांक है ना, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण या प्रकृत संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण या प्रकृत संख्या होगी, तो बोलेंगे नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। बोलेगा क्यों नहीं होगी, तो बोलेंगे देखिए है ना, माइनस वन पूर्णांक में है, माइनस वन पूर्णांक के अंदर है, बताइए माइनस वन पूर्ण के अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर माइनस वन आएगा नहीं आएगा, क्या माइनस वन प्रकृत संख्या के अंदर आएगा नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक ना तो पूर्ण संख्या होगा ना तो प्रकृत संख्या होगा, ठीक है। तो आप लोग स्टार देकर लिख लीजिएगा कि प्रत्येक पूर्ण एवं प्रकृत संख्या पूर्णांक होती है ना, प्रत्येक पूर्ण एवं प्रकृत संख्या पूर्णांक होती है। और दूसरा स्टार में लिख लीजिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण एवं प्रकृत संख्या नहीं हो सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण एवं प्रकृत संख्या नहीं हो सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण एवं प्रकृत संख्या नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।